हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? तो यार उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो यार मैं कुछ टाइम से थोड़ा सा बिजी था और मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गया था, तो उस कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए आज मैं इस अकाउंट को रिकवर करके बताऊंगा। और इन जिन लोगों का अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा, तो आज मैं उनको पूरा जैस किस टाइप से मैं अकाउंट को रिकवर करता हूँ, तो आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने इस आईडी को लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर कोड मांग रहा है फ़ोन नंबर का। तो मैंने उसके नंबर पर कोड दिया और उसका अकाउंट को ओपन कर दिया। अब लेकिन कुछ लोगों के तो यार गेट स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यार कोई टेंशन नहीं है, गेट स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको देखिए आपके आईडी में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के बाद मैं आपको लास्ट में बताता हूँ डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के बाद क्या होता है, क्या करना है। तो देखिए ये अभी अकाउंट रिकवर हो गया है, न्यू आईडी पासवर्ड भी मांग रहा है। तो इस अकाउंट को देखिए मैंने रिकवर कर लिया है, अब सिक्योर पासवर्ड भी हो चुका है। अब देखिए न्यू पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने न्यू पासवर्ड करके एंटर कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ ये अकाउंट रिकवर हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये रिव्यू करेगा आपकी एक्टिविटी को, ये चेक कर रहा है कि आपके जो अकाउंट है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप अभी कर सकते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए ये थोड़ा सा वेरीफाई करेगा आपको अकाउंट रिकवर करने के बाद भी। तो देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए और ये कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए ये पांच छह ऑप्शन है, इनको आपको उसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा उसको कि ये आपका ही अकाउंट है। तो देखिए नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आता है। थोड़ा सा वेट आराम, क्योंकि इंटरनेट मेरा स्पीड थोड़ा सा कम है, सही ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा था। तो देखिए सबसे पहले न्यू पासवर्ड भी मांग रहा है। अभी तो अब मैंने न्यू पासवर्ड डाल के कंफर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी न्यू मांग रहा है, तो मैंने न्यू डाल दिया एक। तो देखिए उसका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ऐड बताने लगा कि ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर और भी जितने अकाउंट को आपने अपनी फेसबुक से ऐड कर रखा है वो सारे अकाउंट को यहाँ पे दिखाएगा। आप उसको ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वो कुछ फ्रेंडों के नाम पूछ रहा है कि आप इनको फ्रेंड लिस्ट में रखना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जिसको आप हटाना चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अगर स्किप का ऑप्शन दे रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और आएगा अभी कि देखिए मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं कमेंट वाले ऑप्शन पे। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली पूछेगा कि कुछ कमेंट आपको डिलीट करने ही पड़ेंगे तो ही काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि यहाँ पे आपको एक या दो कोई भी कमेंट आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जाओगे। तो देखिए कोई भी एक कमेंट ले लो और आप यहाँ से चॉइस करने के बाद उसको डिलीट कर दो तो आप आगे बढ़ जाओगे, वरना आप यहीं पे कंटिन्यू जो आपकी प्रोसेस होगी वो यहीं पर रुक जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे उसको, अब ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो चुकी हैं, फीडबैक वगैरह सब कुछ चला गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये अकाउंट अब रिकवर हो गया है और ये देखिए डायरेक्ट ही ओपन हो चुका है। तो यार उम्मीद है वीडियो थोड़ी समझ में आ चुकी होगी किस टाइप से। अब चलिए गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन से लर्न मोर वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो लर्न मोर का जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए जिन लोगों के भी अकाउंट पे, तो वो क्या करेंगे, उनको मैं इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दूंगा। आपको उस लिंक को पहले अपनी फेसबुक आईडी को, जिस भी आईडी पर लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, आपको फिर अपने क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेनी है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर, तो देखिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ और मैंने उस आईडी को ओपन कर लिया। अब आईडी को ओपन करने के बाद देखिए मैं उसमें जीमेल पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो और देखिए डालने के, तो ये अकाउंट अभी लर्न मोर पे देखिए दिख रहा है आपको लर्न मोर पे। तो अब देखिए मैं इसको गेट स्टार्ट पर लेके आता हूँ। तो एक लिंक है जिसके ज़रिए मैं इसका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहा हूँ, तो आप भी चेंज कर सकते हो, तो वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ से इसकी आईडी का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया और मैं इसको रिव्यू पर भेज दूँगा। रिव्यू पर भेज देने के बाद
रिव्यू पे भेज देने के बाद आपको 48 घंटे यानी कि 2 दिन का आपको वेट करना है, और 2 दिन का वेट करने के बाद आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए अभी इस पे भी दो दिन के बाद एक गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो वह देखिए अब मैं आपको 2 दिन बाद बताता हूँ। देखिए तो देखिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 से नीचे है तो आपको आपके दिस इज माय चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ ये डाल के आपको रीजन में एक्सेप्ट करना है। तो देखिए अभी मैंने इसको ओपन किया और दोबारा से देखिए रिफ्रेश किया तो देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। वही अकाउंट है, वही डेट है और वही सब कुछ है। और देखिए अब मैं इसको कन्फर्मेशन पर भेज दिया तो देखिए यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन मिल गया है कि अब मैं अपनी आईडी को कंफर्मेशन कर सकता हूँ। तो अब फ्रेंड लोगों के नाम पहचानूंगा और मैं अपनी आईडी को कंफर्मेशन कर दूंगा। लेकिन मैंने इस भाई की आईडी का कंफर्मेशन करने की कोशिश की तो देखिए मैं तो उसका फ्रेंड नहीं हूँ तो मैं नहीं पहचानता, मैंने उसकी आईडी कभी चलाई नहीं है तो मैं कैसे जानूंगा कि ये इसी के फ्रेंड है। तो मैंने उसी को दे दिया था ये अकाउंट कि भाई आप अपने फ्रेंड लोगों को पहचान लो और आईडी कंफर्मेशन पर कर दीजिए, ठीक है। तो उनका मैसेज आया था मेरे पास कि भाई मैंने आइडेंटिक कंफर्मेशन कर दी और मेरा अकाउंट रिकवर हो गया है। तो एक न्यू प्रॉब्लम आई है, देखिए ये जैसे आप किसी का भी गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन तो देखिए इस आईडी में देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन गेट स्टार्ट के बाद आइडेंटिटी कंफर्मेशन या फिर कोड वाला कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस यही पेज पर लेके छोड़ रहा है वापस। तो इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ वीडियो कैसी लगी आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।